रही हो? और मार दो, और मार दो। बाल पकड़ लो, बाल पकड़ लो, बाल पकड़ लो, बाल बाल नहीं। हम तुमको मारेंगे। हम स्टार्ट करते हैं रोटी बनाना। ये देखिए हमारी लोइयां बनी हुई रखी हैं, पहल से ही बना के रखी हैं हमने लोइयां। अब फटाफट बना लेते हैं सुबह की रोटी, फिर रिजा के पापा उठने वाले हैं। ये देखिए रिजा उठ चुकी हैं, रिजा के पापा दिलवा के लाए इनको डमरू। बाहर चीज़ लेने गई थी, वहाँ से इन्हें डमरू दिख गया तो ये मांगने लगे, इनके पापा इन्हें दिलवा कर ले आए। अब ये खेल रही हैं, रिजू रिजू कौन दिलवा के लाया है? पापा। अब देखो पापा बोलती हैं कि अब्बू बोलती हैं, इनका मूड है साहबजादी का। अभी तो खिलौना मिल गया हमारी रिजू को। रिजा के पापा तो रिजा के पापा ही हैं, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं बिल्कुल। ये देखिए ऐसे मस्ती करते हैं बच्चों के साथ, तो जैसे कि खुद एक बच्चा हूँ। तो बच्चे हो मत करो लड़की की, छोड़ खेलने दो उसको। छुरियों से बजा रहे हैं भाई, डंडी नहीं है मेरे पास लेकिन छुरियों से बजा रहे हैं। डंडी लेकर ही नहीं आए, डंडी लाने तो भूल ही गए। ज़्यादातर आदि जी भूल जाते हैं, क्या करें, याददाश्त ही कमज़ोर हो गई रिजा के पापा एक लड़की में। रिजा के पापा का बहुत मूड है आज खेलने का बच्चों के साथ, वो मस्ती कर रहे हैं रिजा के पापा। ये देखिए पहले रिजा के साथ मस्ती करी, अब सेवान के साथ मस्ती कर रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं। आज सुबह सुबह मूड अच्छा था रिजा के पापा का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआ से मैं भी ठीक हूँ। तो रिजा के पापा चले गए हैं और हम शाम के खाने की तैयारी करते हैं, तो चलते हैं किचन की तरफ। हमने सुबह का सारा काम कर लिया है क्योंकि रात का मछली बनाई थी, मछली का सालन रखा हुआ था, इसलिए हमने नाश्ता कर लिया है। अब शाम के खाने की तैयारी करते हैं क्योंकि बच रहे हैं छः बज रहे हैं। अभी कर लेते हैं नाश्ते की तैयारी फटाफट। दे दे शाम के खाने की तैयारी, सॉरी। ये देखिए आज बनाने वाले हैं हम दाल। दाल में हमने हल्दी पहले से बना ली है, डाल दी है। अब क्या कहते हैं, नमक डाल दिया हमने, दाल हमने पहले से डाल रखी कुकर में। ये देखिए पानी डाल देंगे, पानी डाल दिया है हमने। अब हमने जो काट के मसाला पहले से ही तैयार करके रखा है, ये देखिए हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन और प्याज, सारी चीज़ों को हम इसमें कुकर में डाल देंगे। अच्छे से पूरा सामान को मिक्स कर देंगे चम्मच लगा के उसमें अच्छे से। ये देखिए अच्छा सामान मिक्स हो जाए, ताकि अब हम इसको लगा देंगे सीटी, कुकर रख देंगे गैस पे। आज हम बनाने वाले हैं दाल और बाटी, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने दाल बाटी बनाई नहीं बहुत से दिनों से दाल बाटी, तो आज हमें याद आ रही थी क्योंकि ऊपर वाली बाजी ने हमारे यहाँ दाल बाटी पहुँचाई थी परसों के रोज़, बनाई थी उन्होंने तो हमें भी दी थी, तो हमें याद आ गई दाल बाटी की, तो हमने सोचा आज बना लेते हैं दाल बाटी। तो ये देखिए हमारी शैतान नन्ही सी परी सो रही है, हमने सोचा तब तक फटाफट हम काम ख़त्म कर लें, क्योंकि अगर एक बार ये उठ जाती है तो कोई भी काम नहीं करने देती हैं। तो हमने सोचा फटाफट दाल बाटी बना लेते हैं। हमारा कुकर हो चुका है रेडी, हम रख देंगे। ये देखिए हमने चढ़ा दिया है कुकर, अब फटाफट आटा निकाल लिया है बाटी के लिए। जो ये देखिए हमने सारे सामान इसमें डाल दिया है, थुली डाली है हमने, जीरा डाल दिया और हल्दी, तेल, सौंफ और
ये क्या डाला है, एक चीज़ का और नाम भूल गए, अजवाइन, हाँ सॉरी अजवाइन डाल लिए, नमक डाल दिया, सोडा भी डाल दिया, सारा सामान डाल दिया। तिली हमारे पास है नहीं, हम तिली डालते हैं और क्या कहते हैं, क्या डालते हैं, और क्या डालते हैं, और कुछ भी डालते हैं, रवा, सॉरी रवा डालते हैं। तो फटाफट हमने आटा गूंद के तैयार कर लिया, क्योंकि रवा भी नहीं था, दुकान से मंगाना पड़ता, इससे अच्छा बना लो जल्दी, जैसी भी बने वैसी बना लो। तो हमारी रीज़ा उठ चुकी हैं, ये देखिए उठ के बैठी हैं, मूड इनका भी सही नहीं है। तो फटाफट हमने ये देखिए सेंक भी ली बाटी को, अब हम फटाफट तलेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है, तेल गरम हो चुका है, हम बाटी को तल लें फटाफट। इसके बाद हमें दाल में बघार भी लगाना है, क्योंकि दाल हमने पका के रख दी है लेकिन बघार नहीं लगाया है अभी तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कल की बात का जिसको भी बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर लोग क्या करूँ, मैं बहुत से दिन से बातें सुन रही थी लोगों की, लोग ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहा है, मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था, इसलिए मैंने एक बार बोल ही दो। क्योंकि कोई भी इंसान ज़्यादातर गैर तो अपना रहता है, गैर अपन सोचते हैं कि रिश्तेदार अपने होते हैं लेकिन रिश्तेदार कभी अपने नहीं होते, बहुत कम ऐसे होते हैं जो रिश्तेदार अपन को सपोर्ट करते, बाकी 100% तो लोग अपने वाले ही देख के जलते हैं, कह नहीं पाते हैं, अपना बनाते हैं, कहते हैं नहीं हम अपने हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर जलते हैं और बाहर जाके अपनी बुराई भी करते हैं, अपने घर में अपने मुंह पे अपनी तारीफ और बाहर बुराई। बहुत से अक्सर लोग ऐसी करते हैं, क्योंकि आप लोग भी आजमा लेना, ज़्यादातर अपने रिश्तेदार ऐसे होते हैं, कहते हैं हम अपने हैं ये वो, लेकिन वो अपने नहीं रहते, बाहर बुराइयाँ करते। तो ऐसे रिश्ते किस काम के, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसे रिश्ते, जो अपने होंगे तो सपोर्ट करेंगे, वरना गैरों की तरह निकल जाएंगे। क्योंकि जो अपने नहीं होते, अपन मानते हैं उनको अपना, तो दिल से मानो, नहीं तो दिखावे से ना मानो किसी को भी, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, जो कहो मुंह पे कह दो। मेरी तो आदत ऐसी है कि जो कहना होता है मैं मुंह पे कह देती हूँ, किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करती हूँ। ये देखिए हमारी बाटी कुछ तला गई हैं और कुछ हैं अभी तलने के लिए, लोगों का क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, पूरी हमारी बाटी तला चुकी हैं, लोग तो लोग ही रहेंगे, क्या कहें उनके बारे में, छोड़ें उनके बारे में, बाद में करेंगे कभी बात। तो हमारी दाल ये देगी, सब कुछ हमारा रेडी हो चुका है, सारी चीज़ें ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, हमने अचार ले लिया है और सेव लिए हैं, क्योंकि सेव डाल के खाते हैं, ऊपर से हम अचार के साथ दाल बाटी तो मज़ा ही कुछ और है। हम चख के देखते हैं कैसी बनी है हमारी दाल बाटी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, काफ़ी टाइम से नहीं बनाई थी तो मुझे याद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा बना ही लूँ आज मैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइए हमारी दाल बाटी हमने कैसी बनाई है। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह।